Tan fam, welcome back to my YouTube channel. My name is Mrs. Tanya Joshi, aka Relate with Tanya, and I hope you guys are doing really well. From the title, you must have understood ki aaj ka video hoga ek bridal recreation, and I'm recreating a Parul Garg bride look. Parul Garg ma'am is a very big known bridal MUA. She is based in New Delhi, and I absolutely adore her work. She is so talented, so much to learn from her. Hope I get to meet her someday. And yeah, चलो आज उनका हमने ये वाला ब्राइडल लुक रिक्रिएट किया, विच इज़ अ ब्यूटिफुल स्मोकी आई लुक विच आई रियली लाइक. एंड या सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So I've already taken the liberty to do one side of my eye. So I'm going to now show you on this side. At least आपको एक reference मिल जाएगा कि what are we working towards. तो start करते हैं. Already मैंने अपने brows और you know concealer लगाया है अपने lid पर. मैंने अपने brows में I have used the Lakme Absolute Brow Definer. बहुत ही अच्छा product है. I really like this one. इससे मैंने अपने brows किए. सारे products के details नीचे रहेंगे. You can you know go down and get it if you want. And हाँ, अभी मैंने lid के लिए L'Oreal का infallible concealer लगाया है. This is in the shade 317. I absolutely love this one. It is a slightly on the drying side, तो that's what we need when we want to apply eyeshadow, कि ये ज़्यादा liquidy और creamy texture ना रहे, ताकि वो eyeshadow के साथ mix ना हो जाए. It's good that it dries out, and you can keep like you know removing the creases from your eyes with the beauty blender. मैं इसको सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम एक जेल मतलब एक काजल लेंगे जो इजिली स्मज हो जाएगा. इसको सेट कर दूंगी ना तो वो काजल को थोड़ा सा स्मज करने में मुश्किल होगी. तो आई एम नॉट अप्लाइंग एनी पाउडर, लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट ऑन माई लिड. ठीक है, तो अभी मैं एक शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल ले रही हूँ एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई लिड लाइक सो, जहाँ तक मेरी क्रीज है नेचुरली. क्या मैं थोड़ा रफली कर रही हूँ, डोंट पैनिक अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है. अभी हम इसको थोड़ा सा ब्यूटिफुली ब्लेंड आउट करेंगे ताकि इट वर्क्स एज अ फाउंडेशन फॉर द डार्क ब्राउन कलर. ठीक है, तो अभी मैं एक ऐसा ब्रश ले रही हूँ जो थोड़ा सा प्रिसाइज है ऐसा. सॉरी, इस ब्रश का कोई नाम नहीं है, मैंने ऐसे किसी रैंडम लोकल स्टोर से लिया था बहुत पहले. अभी मैं इसको यूज़ करूँगी और थोड़ा सा इसको अच्छे से स्मज करूँगी अपने नेचुरल क्रीज लाइन. लाइक मेरी क्रीज लाइन देखो जहाँ एंड हो रही है ना, यू कैन सी द ब्लैक इज ऑल्सो एंडिंग देयर. उससे मैं शायद थोड़ा ऊपर जाऊँ ताकि वो ब्लेंडिंग अच्छी नज़र आए. तो उसको मैं ऐसे ऑन दी एजेस अच्छे से उसको स्मज कर रही हूँ. अब आप देख सकते हो शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल कितना ब्यूटिफुली ब्लेंड आउट हो रहा है. तो ट्राई करो टू डू वन आई एट अ टाइम, डोंट डू टू आईज साइमल्टेनियसली, नहीं तो ये शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल इवेंचुअली ड्राई हो जाता है. तो जब तक वो ऐसा वेट कंसिस्टेंसी में है, मतलब दैट क्रीमी टेक्सचर इज देयर, तब तक आप उसको अच्छे से ब्लेंड करते रहो. सो आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ दिस इज लुकिंग. अभी इट माइट लुक कि यार ये क्या वियर्ड किया है आँख में, बट इट वर्क्स. दिस इज लाइक यू हैव टू मेक दिस ब्लैक कलर बेस्ड ताकि आपका जो ब्राउन कलर आप डाल रहे हो ना वो इतना इंटेंस आए, नहीं तो इट विल नॉट लुक दिस इंटेंस. तो उसको इंटेंस करना ज़रूरी है. तो अभी मैं जैकलिन हिल का ना वॉल्यूम 1 पैलेट ले रही हूँ मॉर्फी का. एंड ऐसा ब्राउन चाहिए आपको जो थोड़ा सा रेडिश टोन या ऑरेंजी टोन में जाए. सो यू हैव टू गो फॉर अ डार्क वार्म टोन ब्राउन. तो मैं ये वाला ब्राउन ले रही हूँ. आई एम टेकिंग इट इन अ डेंस ब्रश. ये पैक का ब्रश, इट कम्स अगेन इन द 15 सेट ब्रश, तो इसका कोई नंबर नहीं है. तो वो ब्राउन जो मैंने आपको दिखाया ब्रश में लेके, आई एम गोइंग टू नाउ टैप इट ऑल ओवर माई लिड्स. अभी ऐसे लिया और मैं डैप डैप कर रही हूँ. ठीक है, यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू दैट कलर एंड टैपिंग इट. बीच बीच में आपको बार बार कलर उठाना है. लाइक आई एम अगेन टेकिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट एंड आई एम टैपिंग द कलर. आप देख सकते हो दिस ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, ऑरेंजी ब्राउन का इंटेंसिटी प्यारा आ रहा है ऑन टॉप ऑफ द ब्लैक कलर. एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट. वी वॉन्ट दैट इंटेंसिटी टू बी देयर ताकि इट लुक्स गुड. अभी डैप करने के बाद ना आई एम गोइंग टू टेक अ स्लाइट फ्लफी ब्रश ऐसा. ये बेली का ब्रश है. यू कैन गेट इट ऑन एनी इंस्टाग्राम पेज. आई लिंक द इंस्टाग्राम पेज फ्रॉम वेयर आई गॉट एंड ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन ऑल्सो बाय इट. एंड वही डार्क ब्राउन लेके मैं थोड़ा सा एजेस को सॉफ्ट कर रही हूँ. धीरे धीरे करो, टेक योर टाइम एंड डू इट. डोंट बी इन अ रश.
जितना आराम से करोगे, जितना अपना टाइम लोगे ना ब्लेंड करने का, उतना प्रिटी आएगा ये लुक। तो मैं ऐसे देखो उसको, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एंड डू दिस लुक फॉर यू, ताकि आप लोग रिक्रिएट भी कर पाओ। आई रियली एडमायर पारुल गर्ग मैम का, यू नो, मेकअप स्किल्स। शी इज सच अ टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट। कभी मौका मिले तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड लर्न फ्रॉम हर, इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो हाँ, अभी आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट ऐसे। नाउ आई एम प्रिटी सैटिस्फाइड विद द ब्लेंडिंग। अगर आप देखो, सॉफ्ट कर दिए एजेस, अच्छा लग रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ रस्टिक कलर, जैसे इस पैलेट में ना ये रेड है, बहुत ही प्यारा रेड है। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट रेड, ये वाला रेड, फ्रॉम द सेम फ्लफी ब्रश ओनली, ठीक है। And now just apply it at the softer, जहाँ पे हमने सब blend किया था ना, थोड़ा उस पर हल्का सा मैं layer कर रही हूँ, ताकि उसका transition shade from dark to bright orange ना अच्छे से और smoothly हो। ये देखो, I am liking how it's coming out actually. देखो, it's very nice. प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेना, प्लीज़ टेक योर टाइम। यू नो, मैं जब मेकअप करती थी एंड आई वाज इन जस्ट माय लर्निंग फेज, देयर वर सो मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, इट्स नॉट लुकिंग वेल, आई नीड टू रिमूव इट। मैं बहुत जल्दी इंपेशेंट हो जाती थी। एंड आई रिमेंबर लाइक वन ऑफ माई मेकअप गुरुज, हर नेम इज़ सारा, शी यूज़ टू ऑलवेज टेल मी कि प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। एंड इट वॉज जस्ट the best thing I've ever heard as an advice. Trust the process, it takes time, don't jump to conclusions, don't get upset very quickly. It was just a very nice piece of advice. Anyways, abhi hum lete hain ye wala orange color, a nice bright orange. This is pretty much the last color we are using now, and we are just going to soften out the edges. Bahut hi halke haath se kaam karna hai. Sorry if my camera light is fluctuating, kuch nahi kar sakte, I've read about it. ऑटो फोकस में ये होता है अनफॉर्चुनेटली। सो जस्ट सॉफ्टन आउट द एजेस, या एक बार मैं वो सबसे पहला डार्क ब्राउन कलर लेके इधर थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर देती हूँ। Yep, and this is how it looks so far. एक थोड़ा सा fluffy brush clean करके we are just going to slightly make sure that everything is well blended with each other. ऐसे just making sure that everything is well blended. थोड़ा बहुत मेरा जैसे यहाँ पे eye shadow आगे आ गया, I'm just going to take a blender जिससे मैंने अपना base किया था, and just I'm just going to slightly clean it, ताकि it doesn't look like it's coming too out. And यहाँ पे भी also I've softened everything. हाँ, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले लेट्स फिनिश द लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन के लिए मैं फिर से शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल लेने वाली हूँ, एंड आई एम गोना अप्लाई इट इन माई वाटर लाइन ऐसे। एंड मैं थोड़ा बाहर भी लेके आ रही हूँ, ताकि आई कैन स्मज इट, नीचे वाटर लाइन में थोड़ा सा स्मज लुक अच्छा लगेगा। एंड आई एम गोना टेक द सेम ब्रश दैट आई यूज टू स्मज आउट द ब्लैक ऑन माई लिड हियर ऑल्सो। इससे ना एक बहुत ही इंटेंस और प्यारा लुक आता है, एंड आई रियली लाइक इट। ऐसे जस्ट करके कीप स्मजिंग इट आउट। अब हम क्या करेंगे, आई टेक अ प्रिसाइज ब्रश लाइक दिस। ये ब्रश ब्यूटीलिशियस का है, द नंबर इज BLE315, एंड आई टेक द, सो आई एम गोना मिक्स दीज टू कलर्स। हमने ये लिया था और हमने ये भी लिया था, एंड ये कलर लिया था, तो आई एम गोना फर्स्ट मिक्स द डार्क विद दिस, दीज टू टुगेदर, एंड अप्लाई इट ऑन द काजल साइड ऐसे। I'm going to take a little bit more and apply.
And now I'm going to take this orange color, the last color that we are taking, the transition shade, and just apply it again in the lower lash line. ऐसे करके दिखा देती हूँ. फिर I'm bending to move down. ऐसे करके. Yeah. थोड़ा सा और ऑरेंज ले रही हूँ मैं एंड उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ. परफेक्ट. अभी एक और चीज़ बची है हमारी करनी एंड हैव टू मेक अ लाइनर. जैसे मैंने यहाँ पे थिक लाइनर लगाया है, आई नीड टू मेक दैट विद द सेम शुगर काजल. आई एम जस्ट गोना शार्पन दिस एंड कम बैक. सो अभी सेम शुगर कॉस्मेटिक्स का मैं काजल ले रही हूँ. यू कैन टेक एनी पेन लाइनर, जेल लाइनर, जो भी है, एंड जस्ट मेक अ लाइक यू नो अ नाइस लाइनर ओवर हियर. बिकॉज अगर आप फोटो देखो ना, उन्होंने भी एक लाइनर मतलब उनको डाल रखा है. जो भी ब्राइड थी उनकी, उन्होंने एक अच्छा सा यू नो थिक लाइनर किया था, बट नॉट अ विंग लाइनर, जस्ट अ सिंपल लाइनर. एंड अपना वाटर लाइन के ऊपर भी करना मत भूलो, द टॉप पार्ट ऑफ योर आई बेसिकली, ऊपर का वाटर लाइन मत करना भूलो. बस वाइल आई वॉज डूइंग दिस प्रोसेस, मैंने उससे पहले ना अपने फेक लैशेज में ग्लू लगा के रखा हुआ है, सो दैट बाय द टाइम आई डू द लाइनर अप्लाई मस्कारा, वो थोड़ा टैकी टेक्स्चर में हो जाएगा एंड इट विल बी परफेक्ट टू अप्लाई. अभी आई एम टेकिंग द मेबलिन कोलोसल मस्कारा एंड जस्ट डूइंग माई लैशेज. आप कर्ल भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट कर्लिंग दम सो मच. कर्ल करके भी लगा सकते हो, आइडियली यू शुड कर्ल योर लैशेज एंड देन अप्लाई, बट आई एम स्किपिंग दैट टूडे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई फॉल्सीज. यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो. बहुत ही इंटेंस एंड प्रिटी एंड लाइक बहुत ही इंटेंस लग रहा है. इट्स अ वेरी प्रिटी लुक एक्चुअली, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि थोड़े से लैशेज लगाओ ताकि लुक और उठ के आए. इट लुक इवन मोर प्रिटियर. आई एम जस्ट ब्लोइंग ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए. लैशेज के लिए मैंने पैक का लैश फिक्सर लिया है. इट्स वेरी वेरी नाइस. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग माई फॉल्सीज. अगर आपको सीखना है कि फॉल्स लैशेज कैसे लगाते हैं, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन माई यूट्यूब चैनल. जाके मेरे चैनल पर आप यू कैन जस्ट गो टू माई पेज एंड टाइप फॉल्स लैशेज, आ जाएगा इमीडिएटली. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर देती हूँ एज टू हाउ टू वेयर लैशेज का वीडियो का. यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. उसमें मैंने ये भी सिखाया है कि आपके अगर लैशेज बड़े हैं उसको कैसे कट करना है, देन यू नो हाउ टू डू द एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा. सो अभी आई हैव जस्ट अप्लाइड द फॉल्सीज. अच्छे से स्टिक हो गई हैं. वाइल इट स्टिल प्रॉपरली स्टिक हो रहा है, वील जस्ट वेट, वील नॉट टच द लैशेज. एक ऐसी प्रिसाइज सी ब्रश ले लो. ये अगेन बेली का ब्रश है, इसका कोई नंबर नहीं है. आपको पूरा 30 पीस का सेट खरीदना पड़ेगा, सो दैट इज़ इट. बट इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. लाइक 30 पीस का सेट कुछ 3200 या 3500 तक का मैक्स आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये मेरे को खरीदे हुए बहुत टाइम हो गया इस ब्रशेस को. एनीवेज, आप कोई सा भी गोल्ड हाईलाइटर ले लो. मैं ये होजो हाईलाइटर ले रही हूँ एंड अप्लाइंग इट इन माई इनर कॉर्नर. ऐसे इनर कॉर्नर में अप्लाई किया एंड थोड़ा अपने ब्राउ बोन पे. दिस इज अ वेरी प्रिटी हाइलाइटर, बट इसको थोड़ा यूज करते हुए हैव टू बी केयरफुल, नहीं तो ज्यादा. मैंने अभी फ्लफी ब्रश लेके ना जस्ट थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दिया ताकि द हाइलाइटर एंड द आई शेडो थोड़ा ब्लेंडेड लुक अच्छा लगे, डजंट लुक टू स्टाकी. एंड या दिस इज प्रिटी मच इट. आई एम जस्ट गोना कॉम माय लैशेस, सॉरी माय ब्राउज अ बिट एंड यप. आई एम जस्ट गोना अप्लाई माय लिपस्टिक एंड आई एम गोना क्विकली कम बैक. So I'm back you guys and this is how the final look looks. I've applied a nude lipstick because even the bride was wearing a nude pink lipstick. I just went for a very nude brown lipstick, personal choice. But this is how the final look looks. I'm so happy that I recreated Paral Garg's ma'am's look. She is so talented and there's so much to learn from her. I hope to get to meet her hopefully one day. And I hope you guys enjoyed this tutorial. And yeah, don't forget to like, share and subscribe. Do the drill. Don't forget to follow me on Instagram. My Insta ID is Relate with Tanya. Till then, take care. Sending loads of love. Love you all. Bye bye. Mwah.